You are watching Think About Life. Welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब लोग? और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईद के बाद की रूटीन का एक व्लॉग, यानी आज मैंने क्या क्या किया किचन में. आज मेरा बहुत बिजी दिन गुजरा और मैंने क्या क्या बनाया वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो फ्रेंड्स, आपको जो स्क्रीन पर सैंडविच की पिक्चर नज़र आ रही है, ये है क्लब सैंडविच जो मैंने आज किए हैं रेडी. इसके लिए मैंने क्या किया था कि ये जो ऊपर जो स्लाइस को हल्का हल्का सेक लिया था और चिकन रेडी करी थी. इसके अलावा इसकी लेयर्स लगाई थी, इसमें एग की एक लेयर लगाई थी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये सैंडविच हो गए थे रेडी. मेरे नेबर में एक पार्टी है तो उनके लिए मैंने ये सैंडविच और ये बर्गर रेडी किया था. ये जो बर्गर है बाज़ार से मैंने बाई करे थे और इसके अंदर की जो फिलिंग है वो मैंने करी थी रेडी, सैंडविच और बर्गर की. और फ्रेंच फ्राइज मैंने घर पे बनाए थे और इस तरह मैंने एक बॉक्स में इसको रखा था कि आप इसको इस तरह भी सर्व कर सकते हैं. प्रेजेंटेशन के तौर पे मैंने सिर्फ इस बॉक्स में रखा था, पर अदरवाइज़ आपके घर में अगर पार्टी है तो आप जाहिर सी बात है उसको एक डिश में ही रखेंगे. तो कैसे लग रहे हैं ये ज़बरदस्त किस्म के सैंडविच, मुझे ज़रूर बताइएगा. और फुल मैंने इसको मायोनीज से कवर किया था, चीज़ की कोटिंग करी थी. बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये हो गए थे रेडी. ये हेल्दी स्नैक के तौर पे आप बच्चों को भी लंच में दे सकते हैं. मज़ेदार किस्म के ये हो गए थे हमारे स्नैक्स रेडी. और यहाँ मैंने दोनों की जो फिलिंग रेडी करी थी वो बिल्कुल सेम थी चिकन की. ओके जी, उसके बाद मैं अपने घर के लिए बनाई थी ये टिक्का, चिकन टिक्का. तो ये मसाला लगा के रखा हुआ था मैंने और इसके बाद इसको थोड़ी जल्दी से हमने कर लिया था रेडी. यहाँ पर ये हो गए हैं रेडी, ये आप देख सकते हैं मैंने मसाला लगा के रखा था, उसके बाद ये कर लिए रेडी. और इसके बाद वेजिटेबल्स वगैरह आई थी सब ब्लॉक के लिए और रेमेडीज़ वगैरह के लिए. ये लेमन थे, वेजिटेबल्स थी, टमाटर, ककम्बर और बहुत कुछ. ये मैंने जो है टमाटरों को काट लिया था, इसका मैंने बनाना है पेस्ट. हाँ, मैंने टमाटर रेडी कर लिए हैं काट के. अब मैं इसको डालूँगी ब्लेंडर में और इसको कर लूँगी ब्लेंड. चलिए जी, टमाटर को करते हैं ब्लेंड. इतनी देर में आप वीडियो कर लीजिए लाइक और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. आप भी इस तरह जो है टमाटरों को फ्रीज़ कर सकते हैं क्योंकि बकरीद आने वाली है, तो जाहिर सी बात है टमाटर जो आसमान पे पहुंच जाएंगे जिस तरह लेमन आसमान पे पहुंच चुके हैं. तो इस तरह यहाँ पे मैंने कर लिया इसको एक बॉक्स में फ्रीज़ और ये थोड़ा सा बच गया है, ये मैं करूँगी अपनी रेमेडीज़ के लिए. आइस क्यूब में इसको मैं रखूँगी. और यहाँ पे आप नज़र आ रहा है कि आपको जो ग्रीन ग्रीन है ये आइस क्यूब्स में मैंने अपने कूलिंग आइस क्यूब्स बना के रखी हुई हैं. इसकी जो मैं रेसिपी वो वीडियो में डाल चुकी हूँ अपनी स्टार्टिंग की वीडियोस में कि पालक से किस तरह आप अपनी स्किन को केयर कर सकते हैं. ये पालक से मैंने बना के रखा हुआ है, ब्राइडल स्किन केयर की वीडियो मैंने डाली. इसका आई कार्ड भी मैं लगा दूंगी ऊपर और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा. और यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है फ्रीज़ टमाटरों को बॉक्स में और आइस क्यूब में को भी मैं कर दूंगी फ्रीज़ कि जब आपको चाहिए हो आप सलाद में भी इसको डाल सकते हैं और आप इसको फेस पे भी लगा सकते हैं. इसके अलावा मैं इस टमाटर को कर रही हूँ फ्रीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं. और इसको मैं एक शॉर्ट सी वीडियो मैं इसकी बना के डालूँगी कि आप इस टमाटर को कैसे अपनी स्किन केयर रूटीन में यूज़ कर सकते हैं. यहाँ पे मैं कर रही हूँ चमचों को जगह पे रख देती हूँ थोड़ा. और अब मुझे लग रही है भूख तो मैं यहाँ पे खा लूँ एक बनाना. जल्दी से मैं खाती हूँ बनाना, मुझे भी लग रही थी भूख. और इसके छिलके को हम फेंकेंगे नहीं क्योंकि ये हमारा कुकू खाएगा. तो कुकू का सामान ये हो गया रेडी, टमाटर का वेस्ट और बनाना के जो वेस्ट है पील वगैरह. और यहाँ पे बन रहे थे आलू की कतलियाँ, साइड पे रेडी हो गई थी आलू की कतलियाँ. और यहाँ पर आ गई है कुकू की फीड जो हम अभी हम ऊपर ले जाएंगे तो लेके जाएंगे. अभी हम जाते हैं थोड़ी देर में ऊपर. यहाँ इतनी तेज़ धूप हुई भी है यार, बहुत तेज़ हुई भी, अंदर ही चलते हैं. अच्छा जी, यहाँ पर मैंने भिगो के रखी थी दाल
दही बड़ों के लिए। और यहाँ पर मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी, यहाँ पे मैं इसको करती हूँ ब्लेंड। फिर इसके बनाते हैं दही बड़े। चलिए जी, मैंने यहाँ पे रख दिए फ्राई होने के लिए दही बड़े। छोटे छोटे साइज़ के बनाए, बहुत बड़े नहीं बनाए हैं, नॉर्मल साइज़ के बनाए हैं। वन बाइट के हिसाब से मैंने यहाँ पे बनाए हैं, रेडी करे हैं। ये होते हैं रेडी, तो मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ। ये हो गए रेडी, इस साइज़ के मैंने बनाए थे। अब करते हैं दही को रेडी। दही को यहाँ मैं अच्छे से फेर लेती हूँ, फिर इसको बना लेते हैं, अच्छे से रेडी करते हैं। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर ये हो गए हैं रेडी हमारे दही बड़े। फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त किस्म का दही फिटा है। जितना दही अच्छा फिटेगा उतने अच्छे आपके बनेंगे दही बड़े। और गर्मी बहुत थी तो यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही थी आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम मैंने घर पे बनाई थी, तरबूज की आइसक्रीम है ये, जो मैं इंजॉय कर रही थी। बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म की, हेल्दी रहती है और गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है तरबूज खाना। तो आप तरबूज को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, आइसक्रीम के तौर पे भी आप इसको दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ थोड़ी देर खाई आइसक्रीम, उसके बाद वापस मैं आई किचन में, थोड़ा सा किचन समेटा। उसके बाद टाइम हो गया था कुकू को फीड देने का, तो ऊपर गई, यहाँ पे वेस्टेज उठाई और कुकू की फीड उठा के ऊपर गई। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलूँ, मेरे गमले से निकल आए पौधे। वाओ, बीज डाले थे ना, पौधे निकल आए। अंदर खोलते हैं, चलते हैं अंदर, इतनी कड़ाकेदार हो रही है यहाँ पे धूप। चलिए जी, ये हो गई कुकू की वेस्ट जो हम फेंक देते हैं, ये हमारा कुकू सब खा लेता है। और मुर्गी ने दिया हुआ यहाँ पे अंडा, ऊपर वाली मुर्गी ने दे दिया है अंडा, बड़ा मारती है यार ये ऊपर वाली। चलिए जी, ये देते हैं हम कुकू को और मुर्गियों को इनकी फीड, देसी फीड देते हैं। ज़्यादातर इनको इंजॉय करते हैं, ये देसी फीड ज़्यादा पसंद करते हैं जी। यहाँ पे हमने दिए इनको टमाटर का जो वेस्ट होता है वो, और बनाना के पील। बाकी मैं यहाँ पर करूँगी थोड़ी सी प्लांटिंग, यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़े से पौधे। और जो पहले का पौधा लगाया हुआ था वो भी निकल आया, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर पहले मैं बीज डाल दूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पहले पौधे लगाया था वो निकल आया है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मेरी रूटीन, बहुत बिजी किचन में गुजरी गर्मी में। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पौधा निकल आया है, ये मैंने पहले लगाया था ना, और छोटे छोटे और भी निकल रहे हैं। Thanks for watching.